जैसा कि लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हब डैम के बैक साइड रोड को, और ये भी बताया था कि हमने कहां से कहां तक का सफ़र करना है। तो चलिए सबसे पहले देखें कि हमने जाना कहां है। तो हम जा रहे हैं कीर्थर नेशनल पार्क। जाना किस रूट से है ये भी लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद जिन व्यूअर्स ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा उनकी सहूलत के लिए दोबारा मैप पर चलते हैं, ताकि नए देखने वाले भी बआसानी समझ सकें कि आज का हमारा रूट क्या है। तो ये था मेरा रोड मैप, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इसमें से 50% रास्ता कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और बकिया 50% रास्ता आज कवर करने जा रहे हैं। अब मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, और साथ ही साथ उन तमाम देखने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? बेटा VIP करके बनानी दूध पत्ते, पैसों का मसला नहीं है, पैसे भले ज़्यादा लो, बनानी टाइट है। नहीं नहीं पानी है मेरे पास, खाना नहीं है, सिर्फ चाय। बिस्किट है साथ? बिस्किट भी नहीं। अभी यहाँ मुकामी होटल में थोड़ी देर रुका हूँ रिफ्रेश होने के लिए, और यकीन करें होटल भी ऐसे पुरसकून माहौल में है कि ना पूछें। दरख्तों की छांव में ऐसा सुकून और अपनायत के क्या बयान करूं। यहां से अभी हम जा रहे हैं कीर्थर पार्क के अंदर, वो इसलिए कि यहाँ मगरमच्छों की अफजाइश के लिए तालाब बनाया गया है, सोचा इसका भी विजिट करवा दूं। उल्टे हाथ जो जाली की बनी बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, ये तमाम पार्क की ही बाउंड्री वॉल है, और कोशिश करूंगा कि हिरन भी नज़र आ जाएं तो इनको भी कवर करूं। वैसे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि तमाम जंगली जानवर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं और इंसानों से एक ख़ास फासला बनाए रखते हैं। कीर्थर नेशनल पार्क को पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नेशनल पार्क होने का भी एजाज़ हासिल है, और इसका क्याम 1974 में किया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क होने का एजाज़ हासिल है हिंगोल नेशनल पार्क को। ये पार्क पाकिस्तान का वाहिद नेशनल पार्क है जिसे यूनाइटेड नेशन की नेशनल पार्क की लिस्ट में शामिल होने का भी एजाज़ हासिल है। कीर्थर पार्क शानदार खूबसूरती और सकाफती विरसे का इलाका है, जो कि दूध देने वाले जानवरों, परिंदों और रेंगने वाले जानवरों के लिए अहम मस्कन के तौर पर जाना जाता है, जिसमें मैमल्स यानी कि दूध देने वाले जानवरों की इकसाम की तादाद 36-40, मुख्तलिफ़ इकसाम के परिंदों की तादाद 58-65
और आखिर में रेंगने वाले जानवरों की तादाद 20 बताई जाती है। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि 3 में से एक हिस्सा इस पार्क का सिंध यानी हब डैम गडाब में मौजूद है और बकिया 2 हिस्से मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट दादू में। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आज से अपने जहन में एक बात बिठा लें या इस जुमले को अच्छी तरह याद कर लें कि दुनिया की कोई ताकत मुझे शिकस्त नहीं दे सकती, और फिर देखिएगा कि हालात किस तरह से एतमाद, यकीन और जज्बे के आगे झुकते चले जाएंगे और फिर ज़िंदगी की दौड़ में आप मुसलसल आगे बढ़ते चले जाएंगे। यकीन की ताकत आदमी के अंदर मस्बत सोच पैदा करती है और मस्बत सोच से हालात खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। मस्बत सोच ही से खुशकिस्मती जन्म लेती है। खुशकिस्मती खुद कोई चीज़ नहीं, यह मस्बत सोच ही का दूसरा नाम है। यकीन की ताकत एक ऐसी ताकत है जो आपकी काया पलट सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी याद रखें कि कामयाबी के लिए मनफी हरबे, झूठ, जालसाजी, धोखाबाजी, बददयानती, वादा खिलाफी और दूसरों की हक तलफी से हमेशा गुरेज करें। मनफी हरबों से जो कामयाबी हासिल होती है वो हमेशा आर्जी होती है और ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती। अभी पहुंच चुका हूं इस पार्क के रेस्ट हाउस पर। इसे भी अच्छी जगह बनाया गया है। वजह ये कि ये एक छोटी सी पहाड़ी पर है और कैंपिंग के लिए भी अच्छा स्पॉट है, और फिर आपको यहाँ से इंतहाई ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत व्यू मिलता है इस पार्क का। तकरीबन 360 डिग्री व्यू मिलता है यहाँ से और ताहद्दे नगा कीथर पार्क वाज़े नज़र आता है। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का सफ़र। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नई वीडियो में नए मुकाम पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।